अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस एंड मशीन्स। फोर्सेस और मशीन्स ना सिर्फ फिजिक्स में एक अहम चैप्टर है बल्कि दुनिया आम में हमारे आसपास हर जगह फोर्सेस और मशीन्स का बहुत अहम ताल्लुक है। वो चाहे एक प्लास हो या पेचकस, चाहे मस्जिद का गुंबद हो या क्रेन, इन सब स्ट्रक्चर्स में फोर्सेस को केयरफुली बैलेंस किया जाता है और उनके हिसाब से मशीन्स बनाई जाती हैं। आइए एक ऐसा ही तवाजुन यानी बैलेंस हम कुदरत में देखते हैं, जिससे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो लो कॉस्ट या नो कॉस्ट है उसको करा सकते हैं। कुदरत में बहुत सारी शेप्स स्टेबिलिटी फराहम करती हैं, जहां पर बैलेंस ऑफ फोर्सेस बहुत जरूरी है। इनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट शेप जो कि हर जगह पर है वो है आर्च। जी हां, मुगल आर्किटेक्चर से लेकर मस्जिद के गुंबद तक, इंसानी खोपड़ी से लेकर मुर्गी के अंडे तक, आर्च इन सब स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी फराहम करती है क्योंकि वो फोर्सेस को बहुत अच्छी तरह हैंडल और बैलेंस कर सकती है। आइए इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ी एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको चाहिए 4 बॉटल कैप्स। ये कोई भी बॉटल कैप्स हो सकते हैं, 4 मुर्गी के अंडे और कुछ किताबें। इस एक्सपेरिमेंट का बुनियादी ख्याल ये है कि हम भारी भरकम किताबों को 4 अंडों के ऊपर बैलेंस कर सकते हैं बगैर उन अंडों को तोड़े। 4 बॉटल कैप्स के ऊपर 4 अंडे रखिए और वो अंडे एक दूसरे के इतने करीब होने चाहिए कि उनके ऊपर कोई किताब रखी जा सके। जब चारों अंडे सेट हो जाएं तो उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से किताबें रखना शुरू कर दें, और ज्यादा सारी किताबें भी रखी जा सकती हैं। और ये देखा जा सकता है कि चाहे ठीक ठाक वजन हो उन किताबों का, अंडे टूटते नहीं हैं, क्योंकि जितनी फोर्स किताबें नीचे लगा रही हैं, अंडों की आर्च शेप उस फोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसलिए किसी एक जगह पर अंडे के ऊपर फोर्स ज्यादा नहीं लगती, जिससे अंडा नहीं टूटता। ये एक बहुत ही सिंपल और क्विक डेमोंस्ट्रेशन हो सकती है आपके स्टेम क्लब के लिए, जिसके अंदर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से बयान किया जा सकता है। इस तजर्बे में बहुत सारी साइंटिफिक इंक्वायरी की भी गुंजाइश है। मिसाल के तौर पर, क्या हम अंडों का नंबर 4 से 3 कर सकते हैं? क्या हम अंडों का नंबर 4 से बढ़ा सकते हैं? क्या कम अंडे ज्यादा या कम किताबों का बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं? तो जैसे कि आपने देखा, आप फोर्सेस और मशीन्स जैसे टॉपिक्स को एक मजेदार और सिंपल एक्टिविटी के जरिए स्टेम क्लब्स में परफॉर्म करा के बच्चों को करिकुलम के करीब ला सकते हैं।